हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं नमन अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का। देखो यार, मेरा इस टाइम पे आने का मकसद ये था, फ्रेंकली बोलूँगा, एक बैच आ रहा है एसएससी का, ज्योमेट्री का। देखो रीज़न क्या है, आप लोग कहोगे सर यूट्यूब पे भी होगा, बट यहाँ पे चीज़ें क्या होंगी ये देख लो। मैं पूरा एडवांस का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने पहले भी एडवांस का बैच स्टार्ट करा था, तो इसमें मैं करवा रहा हूँ 25 तारीख से ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जाएगी प्री टू मेंस लेवल पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं कराऊंगा आपका ट्रिगो या फिर मेंसुरेशन, सेम इसके बाद चलेगा मेंसुरेशन 2D 3D या फिर ट्रिगो चल जाएगा सेम अगली बार। ट्रिगो अगर मेंसुरेशन चला तो यहाँ पर ट्रिगो चलेगा, ट्रिगो के बाद चलेगा हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बाद चलेगा आपका एलजेब्रा, आफ्टर दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मतलब मैं एडवांस का कोई भी चैप्टर आपका छोड़ूंगा नहीं। इसके साथ साथ जैसे ज्योमेट्री की बात करी, तो ज्योमेट्री में आपका होता है लाइन एंड एंगल होता है, आपका सिमिलर ट्राइंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है और फिर सर्किल होता है। चार पार्ट मेन होते हैं। तो चार पार्ट में आपको, जैसे अभी तक मुझसे प्लस में भी और उसमें बच्चे पूछते थे सर कहाँ से पढ़ें, कि सर हम क्वेश्चन कहाँ से लगाएं, तो मैं एक दो बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं मार्केट में, मैं उनको रेफर करता था। बट ये जो ज्योमेट्री का बैच आ रहा है मेरा, इसमें हर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, PDF जाएगी। उस PDF को अगर आपने कर लिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि उस PDF से बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड रहती है, हाँ, लेकिन ये PDF आपने लगा ली तो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चंस का लेवल बेसिक टू एडवांस जाएगा और सारे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो भी कवर हो जाएंगे इसमें। कैसे ज्वाइन करना है, कब आ रहा है बैच, ये बैच आ रहा है 25 नवंबर से आ रहा है, 6 दिसंबर तक चलेगा। ज़रूरत पड़ी तो मैं आगे और भी एक्सटेंड कर लूँगा 2-3 दिन। ये CPO और CGL, MTS, CHSL सबके लिए, कि ज्योमेट्री एक ऐसा पार्ट है जो हर एक पेपर में आता है, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे वो SSC हो, SSC का सारे पेपर में आता है, और ये जब आता है तो दिमाग घूम जाता है। तो यहाँ पे हम बहुत क्रिस्टल क्लियर चीज़ें पढ़ेंगे और काफ़ी चीज़ें हम इजी वे में पढ़ेंगे। कैसे ज्वाइन करना है ये आपको एक बार बता देता हूँ मैं, आपको कैसे ज्वाइन करना है ये बैच आपको करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है। क्या करना है आपको, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। जैसे ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो कुछ ऐसा सा पेज खुलेगा, SSC पे जाना है। SSC पे जाने के बाद आपको प्लस पे जाना है, ठीक है। SSC पे जाने के बाद आपको प्लस पे जाना है, आफ्टर दैट आपको वाईफाई स्टडी पे जाना है। वाईफाई स्टडी पे आप जाएंगे तो मेरा फोटो आएगा, इसमें दिखेगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो ये पूरा 10 दिन का पूरा बैच है, ठीक है, 10 दिन का पूरा बैच है। उसके बाद वो कहेगा सर 1 महीने का लेना है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। तो 2-3 मिथ है, मैं मिथ क्लियर कर दूं। पहला मिथ क्या है कि सर 1 महीने का 1200 रुपये का है, आपको सिर्फ ज्योमेट्री और 2-3 टॉपिक पढ़ने, तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 मंथ्स का है 4800 का और 12 महीने का है 6000 रुपये का। अगर आप SSC के एस्पिरेंट हैं तो ट्रस्ट मी आप ये लीजिएगा, बहुत इफेक्टिव है। रीज़न क्या है, क्योंकि अभी बैक टू बैक बहुत सारे पेपर्स होंगे, और जो मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ तो एडवांस में कम से कम 3 महीने में आपको ऐसा बना दूंगा कि आपको सर मज़ा आ गया एडवांस में, ट्रस्ट मी। सारे टॉपिक एडवांस से कवर हो जाएंगे। आपको सपोज़ आप 1 साल का लेते हो तो 6000 रुपये का है, आप लगाओगे कूपन कोड NAMAN10, तो NAMAN10 जैसे लगाओगे तो 600 का डिस्काउंट पड़ेगा, 5400 का पड़ेगा वो। पहला मिथ क्या है, मिथ इन द सेंस कि बहुत गलत फहमी है स्टूडेंट को कि सर हम ये लगाएंगे तो क्या हम यही पढ़ सकते हैं, अगर हम NAMAN10 लगाएंगे तो मैथ्स पढ़ सकते हैं। पहला इसका आंसर है नहीं। अनअकैडमी पे जितने बैचेस चल रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, GS हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, आप सब पढ़ सकते हैं, सबकी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, सारी PDF ले सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। सेकंड, क्या सर वाईफाई स्टडी में आपका बैच मिलेगा और अनादि सर का बैच नहीं, वाईफाई स्टडी पे और अनअकैडमी पे जितने एजुकेटर्स हैं आप सबका बैच देख सकते हैं। तीसरा मिथ क्या है कि सर इसमें जो क्लासेस छूट जाएंगी वो हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो, सारे वीडियोस को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपको उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे जाना है, आप पेमेंट कैसे भी कर सकते हो, आप चाहे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं एक नेगेटिव कमेंट ज़रूर लूँगा, एक स्टूडेंट कह रहा है सर 5400 रुपये दो फिर। सर देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और वो बात पे मैं आज भी स्टिक हूँ, जो मेरे को पर्सनली जानते हैं उनको पता है। सर क्या हुआ था, आफ्टर 12th कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी कि मेरे को घर से पैसे नहीं लेने थे, ऐसा नहीं घर वालों ने मना किया, सब कुछ सही था, मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू करे। मुझे आज भी ध्यान है, मेरे जो पहला ट्यूशन था वो कॉस्टिंग था उसका था 1 आवर्स का, वो मुझे पे करते थे पर मंथ 1000 रुपीज़। तो ऐसे करते करते मैंने कम से कम 5-6 ट्यूशन पढ़ाए, तो ऐसा नहीं था कि मुझे कोई दिक्कत थी, लेकिन नहीं, मुझे अपनी करना था। तो सर अपने फ्यूचर के लिए आप इतना तो पेन ले सकते हो
कि थोड़ा सा अगर आप कलेक्ट करो, नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं, आप वहाँ देखिएगा। यहाँ पे हम आपको टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड नहीं करवा पाते, यहाँ पे सारी फैकल्टी टेस्ट सीरीज नहीं दे सकती, यहाँ पे आपको हम डिफरेंट डिफरेंट पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे हम आपके डाउट्स नहीं ले सकते, बिकॉज मैथ्स में जब तक डाउट नहीं लोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, या फिर चीज़ें नहीं क्लियर होंगी। तो अगर आपको लगता है कि हाँ बेनिफिट है तो ये लगाइएगा नमन 10, जितने बैचेस आने वाले हैं, जितने बैचेस चल रहे हैं, सारी फैकल्टी के अन अकेडमी प्लस वाईफाई स्टडीज सारे बैच आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, सीजीएल फॉर्म में, जिसने सीएचएसएल भी दिया हो उसे नहीं, न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, सेम रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड से कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक एमटीएस को लेके बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जस्ट उसका मैं बता रहा हूँ, उसका इवेंट कर रहा हूँ और उसका आपके सामने मैं एक सारा कुछ आपको एमटीएस को लेके बताऊंगा, अभी एमटीएस का जिसने फॉर्म भरा था, ठीक है गाइस, आप ज़रूर जुड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना किसी भी उसमें एडवांस पार्ट में, मेरी गारंटी है अच्छे से पढ़ेंगे, पेपर क्लियर होगा, बहुत अच्छा होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो आपको लगाना है कूपन कोड नमन 10, NMN10, सारे कोर्सेज, सारे PDF, सारे डाउट सेशन सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर कल सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहेगा। जय हिंद।